नमस्कार मित्रों, आज कंप्यूटर एग्ज़ाम एमसीक्यू सीरीज पार्ट 11 के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड 2010 यानी एमएस वर्ड में जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। एमएस वर्ड के क्वेश्चंस के बात करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नीचे देखो, सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, देखो ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है आपको। इस पर जैसे ही रेड कलर का बटन आ रहा है, इसको चारों तरफ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यानी इस बटन पे सब्सक्राइब पे, तो क्लिक करने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, तो ये सब्सक्राइब हो चुका है चैनल। ऑटोमेटिक मैसेज आते रहे आपके पास, उसके लिए बेल पर जाओ, ऑल पे ऑप्शन पर क्लिक कर दो तो बेल से ऑटोमेटिक मैसेज आते रहेंगे। इसके अलावा चैनल यदि अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक इसको शेयर ज़रूर करना। पहले आप पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड 2010। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर आएगा सी। इससे आपको प्रपत्र, पत्र, विवरणिका, फैक्स रिपोर्ट के दस्तावेज बनाने में मदद मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट शब्द में क्षमता है, तो वर्तनी जांच बिल्कुल सही है, दस्तावेज तैयार करना, ग्राफिक्स सही है, तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल। फिर आता है ग्राफ द्वारा डेटा प्रदर्शित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा चार्ट, सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है जिसमें कमांड जमा होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, मेनू बार। फिर अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट शब्द में थीसोर्स टूल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबो, किसी में भी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन आता है शब्द में तालिका को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। फिर अगला क्वेश्चन है फुट नोट और एंड नोट का इस्तेमाल के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा रेफरेंस ए। फिर अगला क्वेश्चन है ऑटो टैक्स और ऑटो क्रेट टूल किस प्रकार के हैं, तो इसका आंसर आएगा एडिटिंग सी। फिर अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा एंटर सी। फिर अगला क्वेश्चन है दस्तावेज में डाली गई तालिकाओं में अधिकतम कॉलम हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 63 सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F3। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड की फाइल को हम किस प्रारूप में सहेज नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, बिट मैप। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापित कमांड की मदद से दस्तावेज में क्या बदला जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा डी यानी टेक्स्ट फॉर्मेट, ग्राफिक और एंड नोट, फुट नोट, ग्राफ, एनोटेशन, सभी डी, ऑल। फिर अगला क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, डिफ़ॉल्ट फाइल नाम से बनाई गई एक फाइल का दस्तावेज, यह चारों तरीके से पार्ट पैराग्राफ को संरेखित कर सकता है, यह चरित्र पैराग्राफ पूरे दस्तावेज को प्रारूपित कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल। फिर अगला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में न्यूनतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा सी, 0.5। फिर अगला क्वेश्चन आता है तालिका में दो कॉलमों के बीच न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा 0 ए। फिर अगला क्वेश्चन है यह दस्तावेज में लिखे गए पाठ को स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त करने का आदेश है, तो इसका आंसर आएगा ऑटोक्रेट बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है पे सेटअप कमांड का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा सी, ए और बी बोथ, मार्जिन पेपर और पेपर सोर्स और लेआउट, ये दोनों। फिर अगला क्वेश्चन आता है मैं एमएस वर्ड 2010
रिबन की एक श्रृंखला से बना है? तो इसका आंसर आएगा सी, टेप। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस दृश्य की मदद से आप मुद्रण से पहले पाठ या ग्राफिक का पुनरावलोकन कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा प्रिंट लेआउट, सी। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, एक एकल प्रोग्राम जो एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेटेड पैकेज, सी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा आपको बिना किसी स्वरूपण के क्लिपबोर्ड सामग्री सम्मिलित करने देती है? तो इसका आंसर आएगा पेस्ट स्पेशियल, ए। फिर अगला क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स के रिक्त क्षेत्र में कौन से विकल्प मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर आएगा लूजली, बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, डेटा स्त्रोत में रिकॉर्ड जोड़ने, हटाने या संशोधित करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एडिट डेटा सोर्स, सी। फिर अगला क्वेश्चन आता, आप अगले कॉलम पर जा सकते हैं, तो अगले कॉलम पर क्लिक करें, बिल्कुल, अल्ट डाउन एरो कुंजी के द्वारा, ए और बी दोनों, सी। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड शब्द 2010 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से मुद्रित किया जाता है? तो विथ प्रोटेक्ट रोटेशन सही है, विथ वन इंच टॉप मार्जिन सही है, विथ वन इंच राइट मार्जिन ये भी कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा ऑल डी। फिर अगला क्वेश्चन आता, फ़ोन डायलॉग बॉक्स के पोजीशन फील्ड में कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सेंटर्ड नहीं होता है। फिर किस आदेश से हम दस्तावेज को सीधे ईमेल पर भेज सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा सेव एंड सेंड टू। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दस्तावेज को अन्य नाम से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा सेव एज, बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मैक्रो क्या है? तो इसका आंसर आएगा डी, बीबीए का उपयोग करके दोहराए गए कार्यों को स्वचालित करने के लिए वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में बनाए गए एक छोटे प्रोग्राम, डी। फिर अगला क्वेश्चन था, वर्ड 2010 में ड्रॉप केप सेट करने के लिए अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 10, डी। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि आप सम्मिलित करना चाहते हैं तो हम शब्द दस्तावेज में गणितीय प्रतीकों के लिए क्या उपयोग करेंगे? उदाहरण के लिए डिग्री साइन, इससे अधिक या बराबर एक ग्रीक अक्षर, तो इसका आंसर आएगा सिंबल, सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा आप चयनित भाग के प्रारूप को हटा सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा क्लियर फॉर्मेटिंग, ए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आप इंडेंट में कमी और इंडेंट बढ़ाए, यानी इंडेंट कम करना, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, आप किस मेनू पार्ट में इंडेंट करना चाहते हैं? तो इसका आंसर आएगा होम, ए, सॉरी होम बी। इन 2010 द मेलिंग लिस्ट नाउन एज, तो इसका आंसर आएगा डेटा सोर्स, सी। फिर अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द है जो पर्यायवाची खोलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा थिसार्स, सी। यदि आप किसी अन्य कंप्यूटर पर अपने दस्तावेज को देखना या प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सेव टेप के विकल्प विंडो में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो इसका आंसर आएगा बी, एम्बेड सही प्रकार फॉन्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट मींस टू डू द करेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? तो इसका आंसर आएगा मूव अप फ्रॉम द लाइन, सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पेज लेआउट टैब में पेज ओरिएंटेशन विकल्प उपलब्ध हैं, निम्नलिखित में से पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का है? तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है सी, ए और बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य दिखाई नहीं देता है? तो इसका आंसर आएगा फॉर्मेट व्यू, डी। फिर है, नीचे से सही कथन का चयन करें, तो होम मेनू का उपयोग संबंधित उपकरण को प्ररूपित करने के लिए किया जाता है, जैसे पैराग्राफ, लाइन, रिक्त
शैली ETC, ये भी सही है। दस्तावेज में सम्मिलित करें मेनू का उपयोग चित्र क्लिपार्ट वर्ड आर्ट चार्ट तालिका सम्मिलित करने के लिए, ये भी सही है। पेज लेआउट मेनू का उपयोग पेज ओरिएंटेशन मार्जिन कॉलम वाटरमार्क के लिए, ये भी सही है। तो आंसर आएगा डी ऑल। कौन सा मेनू टैब आपको वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट शैली बदलने देता है? तो इसका आंसर है फ़ॉन्ट टैब बी। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर है हम अंतिम पृष्ठ के लिए विभिन्न हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, डी, यानी वी कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर द लास्ट पेज। तो इसका आंसर आएगा डी। कट और कॉपी के बाद पार्ट कहाँ जाता है? तो इसका आंसर आएगा क्लिपबोर्ड, सी। व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2010? डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसका कैलिबरी ए। वर्ड 2003 में दस्तावेज के बाएं और दाएं मार्जिन में डिफॉल्ट क्या है? तो इसका आएगा बी 1.25। किन शीर्षकों के द्वारा सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट को छिपाया जा सकता है? तो इसका आएगा संक्षिप्त करें यानी कोलेपस, सी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग करके आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में दस्तावेजों को परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है डी, F4 कुंजी का उपयोग शब्द विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है, और इसका आंसर है डी। गटर मार्जिन क्या है? तो इसका आंसर आएगा इसे मुद्रण के समय पृष्ठ के बाध्यकारी भाग से जोड़ा जाता है। एक शब्द जो पृष्ठ के नीचे संक्षिप्त में लिखा जाता है कहा जाता है फुटनोट, सी। बैक स्पेस कुंजी का उपयोग दाईं ओर चरित्र को मिटाने के लिए किया जाता है, जबकि कुंजी का उपयोग दाईं ओर चरित्र को मिटाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए डिलीट। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर बदल जाता है, तो इसका आंसर है पेंट ब्रश, ए। फर्श संख्या या दस्तावेज से संबंधित जानकारी को सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बी हेडर एंड फुटर। दस्तावेज में चिन्हित स्थान तक पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बुकमार्क, सी। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा मुद्रण पृष्ठ के बाद हेडर और पाद लेख पृष्ठ प्रदर्शित करने के लिए, डी, यानी टू अपेयर हेडर एंड फुटर पेज आफ्टर प्रिंटिंग पेज, डी। किस दस्तावेज द्वारा हम अपने दस्तावेजों में पूर्व निर्धारित पाठ डालते हैं? तो इसका आंसर आएगा बी ऑटो टेस्क ऑटो पाठ। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कमांड टू इंसर्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ मार्क? तो ये होता है सिंबल, बी। वर्ड विंडो के रूलर बार पर टैब का स्टॉप मार्कर कैसे निकालें? तो इसका आंसर आएगा ड्रैग द टैब मार्कर टू टेक द आउट ऑफ द रूलर, बी। मेनू लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कीजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सी शिफ्ट प्लस एंटर। पैराग्राफ और लाइनों के बीच अंतरिक्ष की व्यवस्था करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, सी। वर्ड 2010 के संदर्भ में सही कथन का चयन करें? तो इसका आंसर है विंडो के दो भागों में विभाजित करने के लिए स्प्लिट कमांड का उपयोग करें, बी। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत घटक नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डेटा फील्ड, सी। दस्तावेज के प्रारूप की प्रतिलिपि कैसे बनाएं और इसे दूसरे पर कैसे लागू करें? तो इसका आंसर आएगा सी बाय फॉर्मेट पेंटर। किस कमांड की मदद से पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य वर्णों से बड़ा बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा बी ड्रॉप कैप।
फिर अगला क्वेश्चन है, चेंज केस कमांड में क्या विकल्प है? तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल, यानी सेंटेंस केस, लोअर केस, टाइटल केस, ऑल द अबो। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वी कैन नॉट गिव इफेक्ट टू द टेक्स्ट? तो इसका आंसर आएगा ए, हिडन। फिर अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता जो शब्दों के बीच के स्थान को स्वचालित रूप से समायोजित करती है ताकि सभी शब्द एक ही स्थान पर प्रदर्शित हो? तो इसका आंसर आएगा सी, कर्निंग। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच कमांड इज यूज टू चेक द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स राइटन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट? तो इसका आंसर आएगा ए, स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दस्तावेज में सभी परिवर्तनों की निगरानी के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर आएगा ट्रैक चेंज, सी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, दस्तावेज में हाइपरलिंकिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी? तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस कमांड का उपयोग कई कोशिकाओं को एक सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा मर्ज सेल, ए। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्द में टेक्स्ट कमांड में कन्वर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा तालिका को पाठ में बदलने के लिए, ए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकाओं को कई कोशिकाओं में विभाजित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा सी, स्प्लिट सेल। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी अन्य दस्तावेज में पाठ प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा कॉपी एंड पेस्ट, ए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया जिसमें कमांड को एक साथ संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा माइक्रो, बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? तो इसका आंसर आएगा वी कैन मेक अप टू 35 कॉलम्स इन ए डॉक्यूमेंट, डी। फिर अगला क्वेश्चन आता, शब्द में गलत या दोहराए शब्द लाल गलीचा की एक स्ट्रिंग रेखा के रूप में दिखाया गया है जबकि शब्दों के नीचे हरे रंग की पट्टी रेखा प्रदर्शित होती है, ये दिखाता है? तो इसका है व्याकरण के अनुसार शब्द या पंक्ति में अशुद्धि, बी। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है X2, ए। टेप दबाते ही कर्सर आगे आ जाएगा? तो इसका आंसर है .5, सी। निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ड स्क्रीन के शासक बार पर उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर है सी, सेंटर इंडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, विकल्पों का उपयोग वेब पेज के रूप में दस्तावेजों, चादरों या प्रस्तुतियों को बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है वेब पेज, बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शब्द में किसी भी विषय को सूचीबद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बुलेट, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, तीनों, डी। फिर है, शब्द दस्तावेज में हम सीमा को में लागू कर सकते हैं, इन सेल, इन पैराग्राफ, इन टेक्स्ट, बिल्कुल सही, ऑल, डी। यदि आप 3 बार F8 कुंजी दबाते हैं तो क्या चुना जाएगा? एक पैराग्राफ, सी। एमएस वर्ड द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा बी, प्रेजेंटेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 कुंजी का उपयोग किया जाता है एक टू एक्टिव टू एक्टिव रेक्टेंगल सिलेक्शन, बी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शब्द में अधिकतम फॉन्ट आकार हो सकता है? तो 1638, सी। फ़ॉन्ट संवाद बॉक्स के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और दोनों, सी। फिर है, विच शब्द दस्तावेज में कौन सी एक वेद रेखा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ट्रिपल।
सी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल। वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड और एमएस वर्ड, सभी। स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, शिमर क्या है? तो इसका आंसर आएगा डी, टेक्स्ट इफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, रूपरेखा, एम्बास, फिल्टर, उत्कीर्ण क्या है? तो इसका आंसर आएगा बी, फॉन्ट इफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर क्या है? तो इसका आंसर आएगा फॉन्ट स्टाइल, ए। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर आएगा फॉर्मूला बार, बी, डी। इस प्रकार मित्रों ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 95 क्वेश्चंस हैं। एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।